यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें वो इस बात की तरफ तवज्जो उन्होंने दिलाई है कि अफगानिस्तान की जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है इसको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। ओआईसी का गैर मामूली इजलास है, इसको तो हमने अनाउंस ही अभी चंद दो हफ्ते पहले किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस को और इसका बैकग्राउंड क्या था, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है जिसका सामना है अफगान अवाम को, और इसके जो नतायज हैं, जो आउटकम हैं, जिसके अंदर निश्चित तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड का क्याम है। और मैं बताता चलूं कि और भी चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो उसमें एक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया है, फिर उसके अंदर ये बात की गई है कि किस तरह अफगानिस्तान की एक्सेस बढ़ाई जाए बाकायदा बैंकिंग चैनल्स के लिए, और किस तरह जो लिक्विडिटी का जो एक क्राइसिस है उसको किस तरह एड्रेस किया जाए, और फिर साथ ही साथ ओआईसी ने अपना एक स्पेशल एनवॉय भी नामजद कर दिया है अफगानिस्तान की सूरत हाल के लिए। तो फिर साथ आप देखें उसके अंदर एक बड़ा वाज़े पैगाम है कि जो सेंक्शन या पाबंदियां जो पुरानी चलती आ रही वो रुकावट नहीं बननी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में। ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये कहूँगा मुख्तसरन के पाकिस्तान ने ये जो जिस इजलास की जो मेजबानी की, अब इसको आप इस तरह देखें कि ये सिर्फ एक ओआईसी और इस्लामी ममालिक का इजलास तक महदूद नहीं रहा। हमने इसको एज ए वाइडर ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पेश किया, और इसके अंदर P5 ममालिक, इसके अंदर अक्वाम मुत्तहदा और उनकी एजेंसीज, दूसरे ममालिक, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग, ECO और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। और आसिम, जितने ऑर्गेनाइजेशन और जितने मुल्कों के आप नाम ले रहे हैं, OIC से हट के जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन या मेम्बर्स हैं, उन्होंने कोई अश्योरेंस दी है आपको कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में कोई प्रैक्टिकली वो कोई मदद करने के लिए तैयार हैं? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल, आपने उनके खिताब भी सुने होंगे जो इनॉग्रल सेशन में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के सरबराह का जो खिताब था बिल्कुल वाजे था, और फिर जो अंडर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के मार्टिन ग्रिफिथ, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के बिहाफ पे खिताब किया, उन्होंने तो बिल्कुल टॉपी से वो बात की जो पाकिस्तान और जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सराहा, उसको एक टाइमली इनिशिएटिव करार दिया, और उन्होंने कहा कि जो इसके मकासद हैं इसको पूरा करने के लिए अक़वामे मुत्तहदा की पूरी मदद और शराकत शामिल होगी। तो मेरा ख्याल में एक ब्रॉडर कंसेंसस इस कॉन्फ्रेंस से उभर कर सामने आया है, और उसका मकसद भी यही था कि जो इंसानी बहरान है अफगानिस्तान में उसको एड्रेस करने के लिए।